अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की नई वीडियो के साथ आपका प्यारा भाई एहसन फारूक बड़लास आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। सबसे पहले ईद का मुबारक दिन है आप सबको मेरी तरफ से, ईद मुबारक। और हमेशा की तरह जो कल हमने प्रिडिक्शन की थी उसके बारे में जिक्र करेंगे, हमने क्या बोला और क्या हुआ और आज क्या होने जा रहा है वो पता लगाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे वो लोग जो नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं फौरी तौर पे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि कुछ भी आप लोगों से मिस ना हो। कल की प्रिडिक्शन माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त थी हमारी। कल था गोल्ड उस वक्त 1925 पे। कल के वीडियो आप उठा के देख सकते हैं कि मैंने आपको कहा था कि उस वक्त गोल्ड मौजूद है 1925 पे और ये यहाँ से 1918 पे जाएगा ही जाएगा, यही मेरे अल्फाज थे। और मार्केट बिल्कुल वहाँ से 75 पे जो मैंने प्रिडिक्ट किया था गई। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इस एरिया पे मार्केट आएगी और फिर मार्केट वापस जाएगी टेस्ट करने के लिए। अगर दोबारा रिजेक्ट होती है तो आप सेल करेंगे। बिल्कुल देखें मार्केट वहाँ पे आई। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, मार्केट एग्जैक्ट उस एरिया से गिरी जो मैंने लेवल दिया था, आप देखें यहाँ पे उस लेवल तक गई, फिर वापस गई इस एरिया को टेस्ट करने 1925 को और रिजेक्ट हुई और मैंने फिर आपको फाइनल सेल दी थी और 158 पिप्स इस वक्त आपकी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है। जो हमारा प्राइवेट सिग्नल ग्रुप है उसमें भी हमने सेल दी थी 1925 से और हमारा टेक प्रॉफिट जो था 1915 का था, जो कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से हिट हुआ और काफ़ी लोगों ने उस पर प्रॉफिट भी बनाया। आज की तरफ आते हैं कि आज मार्केट क्या कहने जा रही है। इसके अलावा एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग नए हैं, नीचे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का जो है वो लिंक मौजूद है, आप व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप तमाम फॉरेक्स एनालिसिस हर चीज़ वहाँ पे मैं दे रहा हूँ, तो ताकि कोई भी चीज़ किसी से मिस ना हो, तो वहाँ से आपको बहुत अच्छी चीज़ें जो है मिलेंगी सीखने को। मैं पहले एरियाज जो है वो डिज़ाइन कर लूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि आपने आज ट्रेड करनी किस तरीके से है। अभी लंदन सेशन में मुझे नहीं लग रहा कि इतना मूव मिले, मगर यस यूएस सेशन में जो है वो काफ़ी बड़े बड़े जो है वो मूव्स जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। अल्लाह, अच्छा इस वक्त गोल्ड मौजूद है 1907 पे और जो थोड़ी देर पहले मैंने एनालिसिस इसमें जो मैं पूरा डिटेल वो भेजता हूँ उसमें मैंने कहा था कि आप गोल्ड सेल कर सकते हैं 1910 से और मैंने अपलोड किया, उसके थोड़ी देर बाद ही मार्केट जो है वो सेलिंग में चली गई और 30 पिप्स इस वक्त प्रॉफिट में चल रही है। मगर अगर आपसे मिस हो गया तो अब आप वेट करें, मैं पहले आपको गाइज 1 मिनट दिएगा, मैं सुकून से पहले लाइंस लगा लूं ताकि फिर वो समझाना आसान होता है। अच्छा नेक्स्ट वीडियो से, अभी तो ईद है इस वजह से मैं जल्दी में वीडियो बना रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा कि मैं आपको सिखाया करूंगा कि मैं ये लाइंस क्यों लगा रहा हूं, इसकी वजह क्या है, और हर वीडियो में आपको ये मेरी इंशाल्लाह आप लोगों से गारंटी और वादा होगा कि हर वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा भी, बजाय इसके कि मैं बस आपको एनालिसिस करके बता दूं कि भाई ये करना है ये करना है ये करना है। तो अब मैं आप लोगों को बाकायदा बाकायदगी से सिखाऊंगा कि ये करना है तो इसकी वजह क्या है, क्यों करना है। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिले और अगर आप लोग इंटरेस्ट लेंगे तो यकीन माने सिर्फ 1 से 2 महीने के बाद आप लोग इतनी आप लोगों को गोल्ड पे कमांड हासिल हो जाएगी कि आप लोगों को मेरी या किसी और की ज़रूरत ही ना पड़े और आप लोग खुद मुख्तार होके जो है खुद से ये तमाम चीज़ें जो है ट्रेडिंग वगैरह आप लोग कर सकें। अच्छा लेवल्स हमारे लग गए हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेड करनी किस तरीके से है। ये लेवल्स मैंने ज़्यादा इसलिए लगाए हैं ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूँ सुकून से, आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। ओके शुरू से स्टार्ट करते हैं। गोल्ड इस वक्त मौजूद है 1907 पे। सबसे पहला, गोल्ड का बाय ट्रेंड तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक गोल्ड D1 1930 से ऊपर बंद ना हो। दोबारा दोहरा रहा हूं,
1930 से ऊपर जब तक गोल्ड का डेली का जो कैंडल है वो बंद नहीं होता, तब तक गोल्ड सेलिंग में ही रहेगा। और अगर ये बंद होता है तो आप तकरीबन तकरीबन 1960 तक के लिए बाय कर सकते हो। अच्छा, गोल्ड इस वक्त मौजूद है 1907 पे, और हमारे पास सेलिंग के लिए तीन एरियाज हैं जो आपने देखने हैं आज। सबसे पहला एरिया जो है वो है हमारे पास 1990 का। अगर H1 इससे ऊपर बंद होता है तो ये जाएगा 1916 पे, और यहाँ से H1 सेल में H1 की कैंडल बंद हो तो आप सेल ले सकते हैं। अगर ये एरिया भी गोल्ड रिस्पेक्ट नहीं करता और इससे भी ऊपर H1 बंद हो जाता है यानी कि 1916 से, तो गोल्ड जाएगा 1930 पे और यहाँ से टकरा के वापस आएगा गोल्ड तकरीबन 300 पिप्स के करीब। अब इसमें यह है कि आपको जितना ऊपर वाला लेवल मिलेगा सेलिंग के लिए उतना आपको फायदा है, क्योंकि उतनी बड़ी सेल आपको मिल जाएगी। फर्ज कर लें कि यहाँ से हमारे पास टारगेट छोटा है, यहाँ से टारगेट और बड़ा है, यहाँ से टारगेट हमारा बहुत बड़ा है। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि गोल्ड जो है यहाँ से बाय में जाए 1930 की तरफ, और वहां से हमें एक अच्छी सेल दे दे ताकि हम ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें। मगर फिलहाल ऐसा मुश्किल लग रहा है। मैक्सिमम जो गोल्ड की रेंज आज की दिख रही है 1915 की तरफ दिख रही है, और यहाँ से सेलिंग दिख रही है। मे बी पॉसिबल कोई न्यूज आ जाए, अनएक्सपेक्टेड न्यूज आ जाए, जिसकी वजह से मार्केट का ट्रेंड हो सकता है चेंज हो, मगर अभी ऐसा नहीं दिख रहा। आज के जो फंडामेंटल एनालिसिस हैं वो मैं अपलोड कर चुका हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां से आप देख सकते हैं। प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा। ये देख लो कि ईद का दिन है और आपका भाई आपके लिए बैठा हुआ एनालिसिस और वीडियो सारी चीजें कर रहा है, तो वीडियो प्लीज शेयर करें। जितने आपके दोस्त हैं, अहलो अहबाब हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, उन तक हमारा पैगाम पहुंचाएं ताकि हम सबकी मदद कर सकें। दुआओं में याद रखें, जम के पैसे कमाएं। अल्लाह हाफिज़।